बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बुक्स बाज़ार की जानिब से हैदर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की इस वीडियो से हम इस्लामिक हिस्ट्री बुक सीरीज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और आज की जो हमारी बुक है, इसका उन्वान है खैरुद्दीन बारबरोसा। इसके मुसन्नफ़ हैं असलम राही। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और आज की इस वीडियो में हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे। इसका कुछ इब्तदाइया मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और इसका इंडेक्स आपको मैं शो करवाऊंगा, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जज़ाकअल्लाह। तो बात करते हैं खैरुद्दीन बारबरोसा की। इसके मुसन्नफ़ हैं असलम राही एम ए साहब। अम्मा पब्लिकेशन वालों ने इसे प्रिंट किया है और इसका जो इब्तदाइया है मैं वो आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊंगा। तारीख को अगर तारीख समझकर लिखा जाए, इसे पसंद ना पसंद का हदफ ना बनाया जाए, तो ये इंसानी तहजीब तमदन और इसके इर्तका का एक आईना बन जाती है। लेकिन माजी के वाक़ तो हादसात को पढ़कर अगर इनसे इबरत हासिल ना की जाए तो तारीख का हक अदा नहीं होता। अपने अबाव अजदाद की तारीख पढ़कर इससे इबरत और दर्स हासिल करना ही तारीख का असल मकसद व मदा है। जो अच्छे काम माजी में अबाव अजदाद ने किए उन्हें अपनाया जाए, उनसे जो गलतियां हुई उनसे इज्तनाब किया जाए। तारीख कौमों के माजी का ऐसा आईना है जिसे देखकर कौमें अपने हाल का जायज़ा लेते हुए आजमाई हुई भलाइयों से फ़ायदा उठाने के साथ साथ आजमूदा बराइयों से बच भी सकती हैं। तारीख के अच्छे किरदार ही कौमों के हाल और मुस्तकबिल के रहनुमा बन जाते हैं। खैरुद्दीन बारबरोसा भी तारीख का एक ऐसा ही किरदार है। छोटे से एक जजीरे में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी मेहनत, जफाकशी, जुरातमंदी और सरफरोशी से तुर्की का अमीरुल बहर बन गया। उसने स्पेन, इटली, विनिस, माल्टा और दीगर कई ममालक के बहरी बेड़ों और जहाज़ों को समंदर के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। अपनी जुरातमंदी से उसने बहर रूम को एक तरह से यूरोपीय ममालक के लिए ममनुआ इलाका करार दे दिया था। पूरे यूरोप पर उसकी ऐसी दहशत थी कि यूरोपीय बहरी बेड़ों में जो मलाह भर्ती किए जाते वो इस शर्त पर भर्ती होते थे कि उन्हें बारबरोसा से लड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। खैरुद्दीन बारबरोसा इस्लामी तारीख का एक बेमिसाल किरदार और आलम इस्लाम का एक बेनज़ीर अमीरुल बहर था। असलम राही। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है हिस्ट्री के मौजू पर, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत नफीस पेज इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर हम बात करें कि इस बुक में कितने सफ़हात हैं, तो इस बुक में 472 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये बुक। और बात करें इसकी कीमत की, तो 700 रुपए है इसकी कीमत। और अगर आप ये किताब ऑर्डर करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी हिस्ट्री की किताब आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री की कोई भी बुक ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राबता करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।